दोनों रूम जो है वो फ्रंट की साइड आने वाले हैं। कनेक्टिविटी बहुत जबरदस्त है इसकी दोस्तों, कनेक्टिविटी इतनी प्यारी है कि यहाँ से 50 मीटर की दूरी पर अगर आप बाहर निकलते हो तो मेन रोड के पास आ जाते हो, जो नजफगढ़ रोड है। नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन की बात करोगे तो जो वेस्ट मेट्रो स्टेशन है उत्तम नगर का, वो हार्डली यहाँ से 400 या 450 मीटर की दूरी पे आपको मिलने वाला है। और क्या एमिनिटीज मिलने वाली है, आपको स्कूल्स मिल जाते हैं यहाँ पे, आपको यहाँ पे क्या होता है कि कॉलेज मिल जाते हैं, अगर हॉस्पिटल्स चाहिए तो वो आपको ऑन रोड मिल जाते हैं, और जितनी भी छोटी बड़ी मार्केट्स हैं, चाहे वो होलसेल की बात करूं या रिटेल शॉप की बात करूं, वो सब आपको आपके घर के नजदीक मिल जाती है। ठीक है, ये तो ओवरव्यू हो गया। अब जल्दी से क्या करते हैं, आपने सबको साथ में बिठाना है क्योंकि बहुत ही जबरदस्त 3 BHK का फ्लैट होने वाला है, सफर शुरू कर रहा हूं। हेलो दोस्तों, एंटर कर चुका हूं मेन रोड। जब आपका मेन गेट मैंने अंदर यहां पे आया, नीचे मुझे पार्किंग मिली, 4-व्हीलर की पार्किंग मुझे यहां मिल रही है, और साथ में जो पार्किंग एरिया है ना वो एकदम लग्जरियस और एकदम ऐसा लग रहा है जैसे किसी बैंक्वेट हॉल से कम नहीं होगा। तो यानी कि अब आप जो 200-300 लोगों की जो गैदरिंग है ना वो इजिली यहां कर सकते हो, बाहर बैंक्वेट हॉल में खर्चा करने की जरूरत ही नहीं है। सामने जब मैं ऊपर आया तो बड़ी बड़ी चौड़ी सीढ़ियां मिल गई मुझे, और सामने मुझे मिल जाता है यहाँ पे लिफ्ट एरिया, है ना, इतना स्पेशियस लिफ्ट एरिया। और अब हम चल रहे हैं अंदर लिविंग एरिया में। लिविंग एरिया में अंदर घुसते ही इतना आलिशान 3D वॉलपेपर आपको मिल रहा है। हर बार मैं प्यारा प्यारा बोलता हूँ, जब मैं इतने प्यारे वॉलपेपर लेके आता हूँ उनको प्यारा नहीं बोलूंगा तो और क्या बोलूंगा। बहुत सुंदर वॉलपेपर देखेंगे, बिल्कुल डिफरेंट थीम है। फॉल सीलिंग पे चलते हैं, देखिए क्या स्मार्ट सी आपको यहाँ लाइटिंग मिल जाती है, बिल्कुल डिफरेंट लाइटिंग इस बार रखी है। ओपन सील लाइट को हर बार देते हैं, वो सारी चीजों के साथ कॉम्बिनेशन मिलकर, और दो ब्रांडेड फैन आपको यहाँ मिल जाते हैं। सामने वाली वॉल पे आप देखोगे इधर आपको इतना बड़ा LED फैन, जितने भी साइज का 100-inch टीवी है ना, लगा दो यहाँ पे, बहुत स्मार्ट लगने वाला है। तो ये आपको यहाँ पे स्पेस मिल जाएगा। सामने वाली वॉल पे आप देखोगे आपका स्प्लिट AC जो है वो यहाँ पे हैंग हो जाएगा। लिविंग एरिया में समझेंगे अगर, तो यहाँ पे आप L टाइप का सोफा अपना इस तरह से लगा सकते हैं, तो बहुत स्पेस, सेंटर टेबल लगाने के बाद भी पूरा स्पेस यहाँ बच जाता है। यहाँ पे आपको स्टार्टिंग में ही क्या है, एक शीशा या इस तरह से काम करके दे रहे हैं, जैसे भी आप इसको लगाना चाहो वैसे स्मार्ट इसको बना सकते हो। ये मेरा लिविंग एरिया था। लिविंग एरिया में आप देखोगे स्टार्टिंग में ही आपको यहाँ वॉशरूम मिल जाता है। इसकी डेप्थ देखिए, कितना बड़ा वॉशरूम एरिया मिला है वेंटिलेशन के साथ, क्या जबरदस्त टाइलिंग का काम करके देने का, सारी फिटिंग ब्रांडेड मिलेगी। जब आप यहाँ लगाओगे अपना वॉश बेसिन के साथ में मैंने आपको वैनिटी दे रखी है, वाटर प्रूफ है, आपने अपना वॉश बेसिन यहाँ लगाना है और यहाँ शीशा लग जाएगा, तो बहुत स्मार्ट लुक देता है ये आपका यहाँ पे पोर्शन। अब मैं कहूंगा कि इसको यूटिलाइज कैसे करेंगे इस जगह को, यहाँ पे हमारा फ्रिज आ जाएगा, फ्रिज का स्पेस बना सकते हैं आप, या अगर आपको कोई छोटा मोटा अपना डाइनिंग टेबल रखना है तो वो आप यहाँ प्लेस कर सकते हैं, तो वो भी अच्छा लगता है। अब आप बिल्कुल सामने देखिए एल टाइप की प्यारी सी किचन, स्मार्ट सी किचन और स्पेशियस किचन आपको यहाँ मिल जाती है। हैंडललेस आपको यहाँ पे किचन मिल रही है, सारे ड्रॉर्स ऊपर और नीचे के आप कलर कॉम्बिनेशन देखेंगे, बहुत स्मार्ट लग रहा है। सामने आपको वेंटिलेशन के लिए इतना बड़ा विंडो मिल जाता है, अभी आप चाहो तो यहाँ एग्जॉस्ट लगा लेंगे। यहाँ नीचे देखेंगे यहाँ पे सिंक एरिया आ गया, यहाँ पे सारी आपको फॉसेट्स वगैरह और ये या डिवाइडर का काम कर रहा है, यानी कि जो भी पानी वगैरह जो होगा वो नीचे नहीं जाएगा। काफी अच्छा स्पेस मिलेगा आपको यहाँ पे, बड़े बड़े ड्रॉर्स मिल रहे हैं आपको, इस तरह से आपका आरओ वगैरह यहाँ प्लेस हो जाता है। लाइटिंग के साथ कॉम्बिनेशन के साथ ग्रेनाइट बड़ा पत्थर का जबरदस्त काम करके आपको यहाँ मिल रहा है। तो ये हमारा किचन एरिया। अब आप देखोगे किचन एरिया के बिल्कुल साथ में एक बेडरूम यहाँ है और एक बेडरूम यहाँ है, तो हम काम करते हैं पहले इस बेडरूम में। अब इस बेडरूम में आप देखोगे कितना प्यारा, कितना जबरदस्त आपको यहाँ पे डबल बेड,
पूरा हाइट तक देखेंगे, कुछ नहीं, बहुत अच्छी तरह से कर रखी है। इसी के साथ जब हम ऊपर फॉल सीलिंग की तरफ चले जाते हैं तो लाइटिंग का काम और एक ब्रांडेड फैन कितना स्मार्ट लग रहा है। यहाँ पे आपको वार्डरोब मिल जाती है, अभी इसमें काम वाम चल रहा है तो हो सकता है लेबर्स वगैरह के इसमें अपने सामान होंगे, तो काफी स्पेशियस वार्डरोब मिल जाती है। यहाँ पे आपको विंडो मिल जाती है, आप अपना विंडो एसी वहां प्लेस कर सकते हैं, मैंने पॉइंट आपको दे रखा है। और यहाँ पे एक आलिशान एलईडी पैनल बड़े साइज का फुल आपको यहाँ पे मिल जाता है, ड्रॉर्स वगैरह के साथ में ये सारी चीजें मिल जाती है। अब आपको इसमें बालकनी का जो सिस्टम है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, आपको देखना है और समझना है, बहुत बढ़िया है। यहाँ पे आपको वेंटिलेशन का स्ट्रोक मिला हुआ है, मशीन आप यहाँ रख सकते हैं या जैसे आप रखना चाहें, तो ये पूरा स्पेस आपको एज अ बालकनी दे रखा है। एक बार ऊपर की तरफ देखेंगे, शाफ्ट कम बालकनी कह सकते हैं इसको काफी बड़ा स्पेस, आप उस साइड भी देखेंगे, दोनों साइड में चाहूंगा एक बार आप घुमा के देखिए, ठीक है। तो ये स्पेस आपको यहां से मिल जाता है। अब हम चलते हैं इस बेडरूम से बाहर की तरफ और अपने सेकेंड बेडरूम की ओर चलते हैं। सेकेंड बेडरूम का साइज, आज तक आपने इतना बड़ा सेकेंड बेडरूम नहीं देखा होगा, बेडरूम कम प्लेग्राउंड ज्यादा लग रहा है। देखिए बेड मैंने कहा रखा फुल साइज बेड है और फिर भी जगह देखिए भाई साहब, मुझे लग रहा है कम से कम 10x10 के जो कमरे होते हैं ना 10 फुट तो ये जगह ही बच रही है यहाँ पे। उसके बाद पूरा सूप यहाँ पे आप देखेंगे, बेड पूरा लगा हुआ है, स्पेस पूरा मिला हुआ है, वेंटिलेशन जो हमने अभी आपको वहां बालकनी कम शाफ्ट दिखाया वो आपको पूरी वेंटिलेशन यहां से मिलेगी, स्प्लिट एसी या जो भी अपने 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 विंडो एसी लगाना हो वो लगा सकते हैं। ऊपर फॉल्स सीलिंग का डिजाइन देखिए बहुत स्मार्ट मिला हुआ है लाइटिंग के कॉम्बिनेशन के साथ, और इसके सामने भी आपको इतना बड़ा एलईडी पैनल और शाफ्ट का प्रोविजन। हम यहाँ इजिली क्या है, हम सोफा वगैरह भी यहाँ प्लेस कर सकते हैं, एक सोफा यहाँ लग गया, एक सोफा यहाँ लग गया, बहुत बड़ी जगह मिल रही है हमें, शायद ही इतना बड़ा मतलब रूम का साइज कहीं मिलने वाला है। अब मैं दोनों बेडरूम से जब बाहर आया फिर से अपने आलिशान लिविंग एरिया से निकलता था तो ये मेरा थर्ड बेडरूम आ गया। थर्ड बेडरूम में भी आप देखोगे मैंने उसी तरीके का बेडिंग का काम किया है, जो मेरा डबल बेड है पूरा हाइट तक दे रखा है, उस साइड आपको स्टोरेजेस दे रखी है, फिर भी बहुत सारा स्पेस उधर भी बच रहा है इधर भी बच रहा है। सामने वाली वॉल पे आप देखोगे यहाँ पे आपको इस तरह से फिर से एक बड़ा सा टीवी पैनल, ऊपर फॉल सीलिंग का डिजाइन स्क्वायर स्क्वायर दे रखा है, ब्रांडेड फैन मिल गया, शाफ्ट का प्रोविजन यहाँ से यानी कि वेंटिलेशन प्रॉपर मिलने वाली है, और यहाँ स्प्लिट एसी का प्रोविजन पूरी पाइपिंग का काम करके दे रखा है। 105 गज मैंने बताया ऑन पेपर है, तो आप मान के चलिए लगभग 115 गज की जगह आपको मिल जाती है यहाँ पे। 3 BHK का आलिशान, मैंने बताया आपको जो यहां से मेन रोड है 50 मीटर की दूरी पे भी नहीं है, ठीक है। और जो मेट्रो स्टेशन मैं बता चुका हूं, मेट्रो स्टेशन में आपको बता चुका हूं, उत्तम नगर जो वेस्ट वाला है वो भी बिल्कुल पास में है, सारी चीजें पास पास है। और बजट मुझे कॉल करो, बजट सुन के आप भी हैरान हो जाओगे, मुकेश भाई इतना सस्ता मिल रहा है हमें, कार पार्किंग लिफ्ट के साथ मिल रहा है, जल्दी से कॉल करें, फिर से मिलेंगे बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के भाई को दीजिए इजाजत, जय हिंद जय भारत।